केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। अरुण गोविल का नाम यूं तो काफी समय से चर्चा में था, लेकिन जैसे ही भाजपा की 5वीं सूची जारी हुई, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के भाजपाई अवाक रह गए। पार्टी नेतृत्व ने वैश्विक बिरादरी समेत तमाम स्थानीय दिग्गजों को नकारते हुए अरुण गोविल को इस सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। लंबे समय से बाहर रह रहे प्रत्याशी को मेरठ के मतदाता और पार्टी के दिग्गज कितना गले लगा पाएंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अभी तक बाहरी प्रत्याशी घोषित होने के कारण समाजवादी पार्टी स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना कर रही है। अब भाजपा के सामने भी वही हालात पैदा हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भले ही अरुण गोविल को राम आए हैं जैसे वाक्यों से नवाजा जा रहा हो, लेकिन यह भी धारणा बन रही है कि वैश्य बिरादरी बाहुल्य इस सीट पर पार्टी नेतृत्व ने स्थानीय वैश्य नेताओं को ठेंगा दिखा दिया। यह भी चर्चा होने लगी है, जीत की स्थिति में अरुण गोविल को इस क्षेत्र के नुमाइंदे कहाँ ढूंढेंगे। अरुण गोविल के प्रत्याशी घोषित होते ही मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े धड़े को अभी भी यह उम्मीद है कि टिकट बदलेगा और यहां से योगेश वर्मा को टिकट दिया जा सकता है। इस टिकट के घोषित होते ही यह मिथक भी टूट गया है कि गाजियाबाद से यदि किसी वैश्य का टिकट होता है तो मेरठ से ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया जाता है, और यदि वहां से ब्राह्मण चुनाव लड़ता है तो मेरठ से वैश्य को टिकट दिया जाएगा। गाजियाबाद से पार्टी ने विधायक अतुल गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में मेरठ से भी वैश्य बिरादरी से अरुण गोविल टिकट दिए जाने के कारण यह धारणा अब टूट गई है। जहां तक मेरठ के वैश्य बिरादरी समेत अन्य बिरादरी को प्रतिनिधित्व करने की बात है तो इसकी लंबी फेहरिस्त है। इसमें राजेंद्र अग्रवाल के अलावा कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, डॉक्टर विकास अग्रवाल, सरोजनी अग्रवाल, ब्राह्मणों में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज आदि शामिल हैं। शहर के प्रमुख उद्यमी व शिक्षाविद राजेश दीवान भी टिकट चाहने वालों की दौड़ में इस समय शामिल थे। पंजाबी समुदाय का नेतृत्व कर रहे राजेश दीवान की पत्नी नीरू दीवान भी वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। इस नाते भी वैश्य को टिकट मिलने की स्थिति में उनकी दावेदारी प्रमुख रूप से मानी जा रही थी। उधर अरुण गोविल को स्थानीय पदाधिकारी बाहरी जरूर बता रहे हैं, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनका जन्म 12 जनवरी 1952 को यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा मेरठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। वह लंबे अरसे से मेरठ से बाहर रह रहे हैं। टीवी धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल ने 18 मार्च 2021 को भाजपा का दमन थामा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।